गुड मॉर्निंग ऑल। आज के रिसेंट ईयर में स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलरिटी हासिल कर रहा है। आज लगातार नई नई टेक्नोलॉजीज और नए नए आविष्कार ने बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद की है। इनमें एक प्रॉब्लम है ट्रैफिक जैम। तो हमारे प्रोजेक्ट का टॉपिक है एलईडी ट्रैफिक सिग्नल मॉड्यूल। ओवर पॉपुलेशन की वजह से सिटीज और टाउन्स में ट्रैफिक जैम का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग टाइम, ट्रैवलिंग कॉस्ट और मोबिलिटी पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो हमने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एलईडी ट्रैफिक सिग्नल मॉड्यूल बनाया है, जो कि फोर वे बाई डायरेक्शनल लाइट सिस्टम है। ये ट्रैफिक सिग्नल मॉड्यूल लाइट सिस्टम पर काम करता है, जिसमें रेड, येलो एंड ग्रीन कलर के एलईडी लाइट्स है। ये एलईडी लाइट्स रेड लाइट इसमें की व्हीकल को स्टॉप करने के लिए, येलो लाइट व्हीकल को स्लो डाउन होने के लिए एंड ग्रीन लाइट व्हीकल को आगे बढ़ने की परमिशन देता है। ये ट्रैफिक मॉड्यूल को ऑपरेट करने के लिए हमने इसमें आर्डिनो मेगा 2560 का यूज किया है, जिसके अंदर 54 आउटपुट और इनपुट डिजिटल पिन है। इसमें हमने सिग्नल के लिए सिग्नल स्ट्रिप का यूज किया है, जिसको हमने इस आर्डिनो से कनेक्शन दिया है और इस कनेक्शन को कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करके इस आर्डिनो में ट्रांसफर किया हुआ है और इस आर्डिनो को यहां से पावर सप्लाई दिया हुआ है। एट फर्स्ट सिग्नल की लाइट ग्रीन होगी एंड बाकी 3 सिग्नल की लाइट रेड रहेगी, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही तरफ पर ट्रैफिक का फ्लो चलता रहेगा। 5 सेकंड्स बाद फर्स्ट सिग्नल की येलो लाइट ये बताएगी कि अब सिग्नल रेड होने वाला है एंड सेकंड सिग्नल की लाइट ग्रीन हो जाएगी एंड बाकी 3 साइड के सिग्नल की लाइट रेड रहेगी, जिसकी वजह से एक इस हद तक स्मूथ ट्रैफिक फ्लो चलता रहेगा, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम और एक्सीडेंट के केसेस नहीं होंगे। थैंक यू।